दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड आफ्टर डेट ऑफ एग्जिट, मतलब आपने काम छोड़ दिया और उसके बाद भी आपकी कंपनी लगातार पैसा जमा कर रही है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो आपको करना क्या है इस केस में, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम आती है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन। वीडियो को भी सर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको भी पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बहुत कम कंसल्टेशन फ़ी है, आप पे करेंगे जना आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल बताएंगे आपको, पहले सॉल्यूशन दे देंगे, वीडियो देख लीजिए, थोड़ी सी कंसल्टेशन फ़ी है, व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एग्जाम्पल लेते हैं अमित का। अमित ने क्लेम अप्लाई किया और अमित का क्लेम हो गया रिजेक्ट। रिजेक्ट होने का रीज़न हुआ कि कंट्रीब्यूशन अवेलेबल आफ्टर डेट ऑफ एग्जिट, ए कंट्रीब्यूशन रेमिटेड आफ्टर डेट ऑफ एग्जिट, ए कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड आफ्टर डेट ऑफ एग्जिट। इसका मतलब क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने काम छोड़ा 31 मार्च 2020 और आपकी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन अपडेट कर दिया अगस्त 2020 तक के, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, आप जब क्लेम अप्लाई करते हैं तो पीएफ ऑफिस आपकी सारी चीज़ों को चेक करता है, सारे रिकॉर्ड्स देखता है, और अगर उन्हें पता चलता है कि कुछ मिसमैच है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन एंड डेट ऑफ एग्जिट भी देखते हैं, यानी दे फाउंड एनी यू नो मिसमैच ओके अमाउंट यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डेट ऑफ एग्जिट, देन आप वो क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अमित ऐसी प्रॉब्लम में है। आई नो यू ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एंड इट्स ओके यू आर ऑन दिस वीडियो, बट डोंट वरी, आई विल बी देयर, ओके, आई विल असिस्ट यू, ओके, जो जैसे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। द सॉल्यूशन इज दैट यू नीड टू अप्रोच अ कंपनी कि जो भी उन्होंने गलत किया है, अगर आपकी कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करती है, हेल्प नहीं करती, देन यू मे कॉन्टैक्ट अस, व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बहुत कम कंसल्टेशन फी है। आई एम टेलिंग यू, एज कम्पेयर टू अदर पीएफ कंसल्टेंट, वी चार्ज अफोर्डेबल कंसल्टेशन फी। इफ़ यू वांट टू टेक कंसल्टेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई नो थोड़ा वीडियो में इंग्लिश ज़्यादा हो गई, सॉरी, बट बिकॉज आई नो कि साउथ से भी लोग वीडियोज देखते हैं, एंड दे समटाइम यू नो आई यूज टू गेट कॉमेंट्स लाइक यू नो प्लीज मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम प्लानिंग यू के टू मेक यू नो माई अदर चैनल्स ओके जहाँ पर मैं इंग्लिश कॉन्टेंट अपलोड करूँ। इफ यू से येस, इफ यू अग्री विद इट, देन प्लीज टू कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।